देख रहे हैं केवल सच। राजधानी में डॉक्टर सारिका राय के अस्पताल में 34 बच्चों ने शुभ मुहूर्त में जन्म लिया। नवजात के परिवार के साथ चिकित्सा में दिखी खुशी की लहर। अस्पताल में जय श्री राम के नारे, भक्तिमय हुआ अस्पताल। आज अयोध्या में रामलला के 500 सालों के बाद अयोध्या में विराजमान हुए। उनके लिए प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजन किया गया। वहीं दूसरी तरफ राजधानी में परिजनों के बीच में आज के दिन ही दिन अपने बच्चों के लिए डिलीवरी कराने पर जोर दिया गया। राजधानी में डॉक्टर सारिका राय के अस्पताल में 34 बच्चों ने शुभ मुहूर्त में जन्म लिया। इस अवसर पर जहां बच्चों के परिजन काफी खुश थे, वहीं डॉक्टर सारिका ने बताया कि परिजन की मांग थी कि शुभ मुहूर्त में ही उनकी डिलीवरी कराई जाए और लगभग सारे डिलीवरी नॉर्मल हुए और तमाम बच्चे स्वस्थ हैं। देखिए पूरा रिपोर्ट। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई और मौके पे बच्चों का जन्म हुआ है, कितना बड़ा अवसर है जी। ये उत्सव तो सब जगह पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं। और सबसे खुशी की बात जो हमको दिखी इस बार कि सब कोई एक साथ मिलजुल के, मतलब कि कोई कास्ट, कलर, क्रीड, कहीं कोई डिफरेंस नहीं, कोई मतलब बहुत धूमधाम से सब कोई खुश है कि आज के दिन अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई है राम जी की। एंड सब कोई सहयोग किया है, सब कोई पार्टिसिपेट किया है। अब तो उल्लास जो यहाँ पे है आप खुद अपने आंखों से साक्षात देख रहे हैं, वीडियोस भी बनाए होंगे। सब कोई, जितने भी पेशेंट डिलीवर हुए हैं, सब कोई बहुत खुश है। हम लोग की खुशी में सब कोई खुश है, कितने बच्चे तो हम लोग भी उनकी खुशी में जरूर खुश है। कितने बच्चों के? 31, 34 हो गए, अब तो तीन और हुए हैं, 34 है। परिजन कितने खुश हैं आज के दिन, जिन बच्चों का आती है परिजन कितने खुश हैं? परिजन जिन बच्चों, माता पिता कितने खुश हैं? बहुत ज्यादा। उन लोगों का इंटरव्यू आप खुद लीजिए तो आप खुद जानेंगे। एंड बहुत सारा डिमांड भी था कि इसी दिन उनको चाहिए बच्चा। और नॉर्मल, सबसे बड़ी बात कि हम लोग कोशिश की, अधिकांश का नॉर्मली डिलीवरी से बच्चा हुआ है। ये नहीं कि मुहूर्त में बच्चा को निकालने के लिए ऑपरेशन किया गया है। और 12:30 पे एक राम जी ऑपरेशन के द्वारा जन्म लिए हैं, जिसका हम वीडियो बनाए, अगर आप चाहें तो हम शेयर करेंगे। नॉर्मल